सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में एक और मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ राम एक नई लड़की से मिलता है और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, तब ये लड़की राम को एक बड़े से मॉल में लेकर जाती है ताकि कुछ शॉपिंग कर सके, वो भी राम के पैसों से। दरअसल ये लड़की बहुत चालाक है और राम इसकी बातों में आ गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और राम भी एक गुड पर्सन है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ भी अच्छा ही होगा। जैसे ही राम मॉल में घुसेगा और अपने लिए कुछ देखेगा, तभी पीछे से प्रिया भी आ जाएगी। दरअसल प्रिया को भी नहीं पता होता है कि मिस्टर राम कपूर भी इसी मॉल में है, वरना वो यहाँ कभी नहीं आती। लेकिन डेस्टिनी को भला कौन रोक सकता है, और अब प्रिया राम को देख नहीं पाती है, लेकिन जब वो उसकी शर्ट का टूटा हुआ बटन देने जाती है, तब राम प्रिया की आवाज को पहचान लेता है और पीछे मुड़कर देखता है। फिर ये नई लड़की राम से पूछती है कि ये लड़की कौन है, तब राम कहता है कि ये क्रिमिनल है, इसने ही मेरी बहन को मारा था। ये सब सुनकर प्रिया काफी दुखी हो जाती है, लेकिन प्रिया को उससे ज्यादा दुख तब होता है जब प्रिया राम को किसी और लड़की के साथ शॉपिंग मॉल में देखती है। प्रिया सोचती है कि ये लड़की राम की नई गर्लफ्रेंड है, लेकिन सच तो हम लोग ही जानते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, राम तो सिर्फ इस लड़की को मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आता है। और अब एक बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है, जब राम प्रिया को एक छोटी बच्ची के साथ देखता है, तब राम हैरान हो जाता है और राम को इस छोटी बच्ची के फेस को देखने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि राम जानना चाहता है कि ये प्रिया की बेटी किसके ऊपर गई है, इसकी शक्ल किससे मिलती है। लेकिन राम जब इस बच्ची की आंखों को देखता है, तब राम हैरान हो जाता है और तभी समझ जाता है कि बच्ची मेरी ही है। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।